अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद करते हैं जी आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने कुछ नए जोड़े लगाए थे, तो आज वो जोड़े सारे लग गए हैं। ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो गया उनको मैंने बंद किया था, ब्रीडिंग के लिए लगाए थे सारे जोड़े, तो आज मैं उनको ब्रीडिंग लॉफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए, और साथ साथ जो इस केज में मैंने तकरीबन डेढ़ माह पहले जो जोड़े छोड़े थे उनकी भी आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहे, मैं केज के अंदर ही आया हूँ, वो जोड़े भी मैंने छोड़ दिए हैं, वो छोड़ते हुए भी आपको दिखाऊंगा, वो भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो चले दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाता हूँ इस केज का। ये देख रहे हैं माशाल्लाह बच्चे निकलना शुरू हो गए हैं। इस जोड़े के दो बच्चे हैं, और ये भी इधर भी आप देख सकते हैं कि दो ही बच्चे निकले हुए हैं, और यहाँ पे दो अंडे हैं, और यहाँ पे एक अंडा है, और यहाँ पे ये जॉनसन जोड़े में दो बच्चे निकाले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे भी एक अंडा है, और दूसरे अंडे की सिचुएशन क्या है, दूसरा अंडा ख़राब हो चुका है। और इसी तरह आगे की तरफ बढ़े तो इस तरफ बच्चे निकल आए हैं, और अगर मैं दूसरी तरफ देखूं तो यहाँ पे अंडा है, और यहाँ पे दो अंडे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बच्चा निकल आया है, और ये अंडा जो साथ वाला है ये ख़राब हो चुका है। यहाँ पे भी जॉनसन जोड़े का एक बच्चा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो ब्रीडिंग है वो अच्छी चल रही है, यहाँ पे भी जोड़े में बच्चे निकाल लिए हुए हैं। दोस्तों ये इस केज की ब्रीडिंग प्रोग्रेस थी। ये जोड़े मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट डेढ़ माह पहले छोड़े थे, वो भी मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी। और अब मैं जो नए जोड़े मज़ीद इस केज में छोड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे गुंजाइश है कुछ और जोड़े छोड़ने की, तो चले दोस्तों केज से बाहर चलते हैं और मैं आपको सारे जोड़े छोड़ के दिखाता हूँ एक साथ। ये दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैंने ये जोड़े बंद किए थे, आपको भी मैंने दिखाया था जब मैंने जोड़े ये बंद किए हुए थे। तो अब ये सारे जोड़े लग गए, तो आज ये इनको मैं सारों को ब्रीडिंग केज में शिफ्ट कर रहा हूँ, ताकि ये भी आराम से अपना खाना सेलेक्ट करके और ब्रीडिंग स्टार्ट कर दें। और दोस्तों ये सारे जो हैं यंग पट्ठा पट्ठी हैं, फर्स्ट टाइम इनको ब्रीडिंग में लगाया, सिर्फ इनमें एक पुराना नर है और बाकी सब जो है यंग पट्ठा पट्ठी हैं। ये जो कोने में ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है गहरा, ये एक पुराना नर है, बाकी सब जो है फर्स्ट टाइम इनको ब्रीडिंग में लगाया है, अभी जवान हुए। दोस्तों आज इनको अभी शिफ्ट ही किया है केज के अंदर, तो इस वजह से ये अंदर जाने से थोड़ा डर रहे हैं।